नवंबर सन 1957 यूएसएसआर द्वारा स्पुतनिक 2 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया। इस स्पेसक्राफ्ट में पहली बार एक फीमेल डॉग को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था। इस फीमेल डॉग का नाम था लाइका। सन 1957 तक मॉस्को की सड़कों पर आवारा घूमने वाली लाइका आज अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही अहम स्थान रखती है। ये एक मॉन्ग्रेल प्रजाति की फीमेल डॉग थी जिसको यूएसएसआर द्वारा स्पेस में भेजा जा रहा था। ये वो समय था जब स्पेस रेस का दौर लगभग शुरू हुआ था। यूएसएसआर पहले ही अपना एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेज चुका था, लेकिन वो यह देखना चाहता था कि आखिर किसी जीव को अगर स्पेस में भेजते हैं तो उसके साथ क्या होता है। इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि अपने स्पुतनिक 2 मिशन के दौरान लाइका को स्पेस में भेजा जाएगा ताकि यह पता चल सके कि जीवित प्राणी अंतरिक्ष में टिक सकते हैं या नहीं। इस मिशन में लाइका को अंतरिक्ष से वापस धरती पर लाने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। अंतरिक्ष में पहुंचने पर किसी जीव के साथ क्या होगा, इसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं था। यहाँ पर बस एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, पर शायद इस मासूम जानवर लाइका को यह पता भी नहीं होगा कि ये इंसानों के इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने जा रही है। वैज्ञानिक जानते थे कि लाइका को वापस लाने के लिए या उसके सर्वाइवल के लिए उनके पास किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं है। ये एक सुसाइड मिशन है जिसमें लाइका की मौत तय है, लेकिन फिर भी इस मिशन को अंजाम दिया गया। उस बेजुबान जानवर को यह बात पता नहीं थी कि कुछ ही पल में वह इस दुनिया को अलविदा कहने वाली है। मिशन से 3 दिन पहले लाइका को स्पेसक्राफ्ट में रख दिया गया था ताकि उसको वहां रहने की आदत हो जाए और मिशन के दौरान कोई परेशानी ना हो। 3 नवंबर सन 1957 को आखिरकार स्पुतनिक 2 लाइका को लेकर अंतरिक्ष की ओर रवाना होता है, लेकिन रॉकेट का एक हिस्सा प्लान के अकॉर्डिंग रॉकेट से अलग नहीं हो पाया। इस कारण से लाइका जिस केबिन में थी उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। धरती की लो अर्थ ऑर्बिट में काफी देर तक हाई टेम्परेचर का सामना करते हुए आखिरकार लाइका ने अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, आज के समय में अंतरिक्ष विज्ञान बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। आज के समय में अंतरिक्ष में इंसानों को भेजना एक बहुत ही आम सी बात हो चुकी है, लेकिन पुराने समय में जब अंतरिक्ष विज्ञान अपने शुरुआती दौर में था तब सीधे इंसानों को धरती से बाहर नहीं भेजा गया। पहले कई सारे जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा जाता था। लाइका सिर्फ अकेली नहीं है जिसने अंतरिक्ष विज्ञान के लिए अपनी जान दी है। स्पेस साइंस के इतिहास में आपको ऐसे बहुत से बेजुबान जानवर मिल जाएंगे जिनकी जिंदगी के बदले हमारे इस विज्ञान का विकास हुआ है। अंतरिक्ष में जानवरों को भेजने की शुरुआत सन 1947 में हुई थी जब अमेरिका ने फ्रूट फ्लाइज को V2 रॉकेट के जरिए 20 फरवरी सन 1947 को अंतरिक्ष में भेजा था। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए यह जानने की कोशिश की जा रही थी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर रेडिएशन का क्या प्रभाव पड़ता है। रॉकेट 3 मिनट और 10 सेकंड के अंदर तकरीबन 109 किलोमीटर ऊंचाई तक चला गया था। उस समय 100 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई को स्पेस माना जाता था। इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ब्लॉसम्स कैप्सूल को इजेक्ट कर दिया गया और तुरंत ही कैप्सूल ने अपना पैराशूट भी खोल लिया जिससे कैप्सूल को धरती पर वापस लाया गया। मिशन कंप्लीट होने के बाद फ्रूट फ्लाइज को जिंदा रिकवर कर लिया गया था। इस मिशन की सफलता के 2 साल बाद यानी कि 1949 में अमेरिका ने फिर से एक और जानवर को अंतरिक्ष की ओर भेजा। 14 जून सन 1949 को फिर एक बार V2 रॉकेट के जरिए एक जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया। इस बार जिस जानवर ने अंतरिक्ष की यात्रा की वो था एक बंदर जिसका नाम रखा गया था अल्बर्ट 2। अल्बर्ट 2 धरती से करीब 134 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था, लेकिन शायद किस्मत ने इस बार साथ नहीं दिया और पैराशूट फेलियर के कारण उसकी मौत हो गई। 31 अगस्त सन 1950 अमेरिका ने फिर से एक जीव को अंतरिक्ष में भेजा। इस बार एक चूहे को अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन फिर से पैराशूट फेलियर के कारण यह मिशन भी फेल हो गया। दोस्तों, अंतरिक्ष की इस रेस में सिर्फ अमेरिका ही नहीं था, उसके सामने यूएसएसआर भी था जो अंतरिक्ष में नए नए कारनामे किए जा रहा था। सन 1957 में आखिरकार यूएसएसआर ने भी अपने एक स्पुतनिक 2 मिशन के दौरान लाइका नाम की एक फीमेल डॉग को अंतरिक्ष में भेजा था जिसके बारे में हमने इस वीडियो की शुरुआत में जाना था। लाइका की मौत बहुत दर्द भरी थी। कहा जाता है कि यूएसएसआर का मिशन स्पुतनिक 2 काफी जल्दी में किया गया था। अगर इसे थोड़ा और समय लेकर अच्छे से किया जाता तो शायद लाइका को बचाने के लिए भी वैज्ञानिक किसी तरह की प्लानिंग कर ही लेते। 2 साल बाद यानी कि 2 जुलाई सन 1959 को
यूएसएसआर ने एक और स्पेस मिशन किया। इसमें एक खरगोश को और दो कुत्तों को अंतरिक्ष में भेजा गया। इस मिशन के दौरान यह जीव पृथ्वी से 212 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। अंतरिक्ष में जानवरों को भेजने का दौर इसी तरह से चलता रहा और इसी दौरान अमेरिका ने फिर एक बार एक मिशन के तहत जानवर को अंतरिक्ष में भेजा। अब यह मिशन बाकी मिशन्स के मुकाबले कुछ खास था। खास इसलिए था क्योंकि इस बार एक चिंपैंजी को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था। इस धरती पर इंसानों के बाद चिंपैंजी को ही सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है। जिस चिंपैंजी को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था उसका नाम था हैम, और आज के समय में इसे हैम द एस्ट्रो चिंप के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष में भेजने से पहले इसे होलोमैन एयरफोर्स बेस में एक न्यूरोसाइंटिस्ट जोसेफ बी ब्रैडी के निर्देशन में काफी समय तक ट्रेनिंग दी गई थी। इस दौरान हैम को मिशन के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक से बचने की और लीवर पुल करने की भी ट्रेनिंग दी गई थी। कहा जाता है कि यह चिंपैंजी एक ब्लू लाइट को जलता देखकर 5 सेकंड के अंदर ही लीवर्स को पुल कर देता था। 31 जनवरी सन 1961 को अमेरिका के प्रोजेक्ट मरकरी के तहत केप कैनेवरल फ्लोरिडा से इस कैप्सूल को अंतरिक्ष की ओर भेजा गया, जिसमें हमारा हैम सवार था। फ्लाइट के दौरान प्रेशर के कारण इस कैप्सूल को थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन हैम के स्पेस सूट ने उसकी रक्षा की और हैम सेफ रहा। मिशन पूरा होने के बाद हैम का कैप्सूल धरती पर वापस आ गया और ये अटलांटिक ओशन में जाकर मिला। बाद में अमेरिका की नेवी ने हैम और उसके कैप्सूल दोनों को सुरक्षित रिकवर कर लिया। इस दौरान हैम को सिर्फ नाक में थोड़ी सी चोट आई थी और बाकी वो बिल्कुल ठीक था। काश अगर लाइका और एल्बर्ट 2 को भी इसी तरह से रिकवर कर लिया जाता तो आज वो जिंदा होते। खैर, हैम का मिशन पूरा होने के बाद उसे वॉशिंगटन के एक जू में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वो 17 साल तक जीवित रहा। दोस्तों, जब से स्पेस रेस शुरू हुई है तब से लेकर आज तक कई सारे जानवरों को धरती से अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजा गया है। अब तक कई तरह के चिंपैंजीज, डॉग्स, मकड़ी, खरगोश और कई तरह के और जानवर भी अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। इनमें से कुछ जानवर तो ऐसे हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की यात्रा की और बाद में अंतरिक्ष से वापस अपने घर यानी धरती पर वापस आ गए, लेकिन कुछ जानवर जीवित नहीं बच पाए। इन जानवरों ने या तो इंसानों की लापरवाही के कारण या किसी और कारण से अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, सन 1957 में जब लाइका की मृत्यु हुई थी तब यह एक बड़ा मुद्दा बन गया था। इस दौरान यूएसएसआर को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था और उसी समय यूएसएसआर में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे। हालांकि बाद में यहाँ की सरकार द्वारा लाइका को काफी ज्यादा सम्मान दिया गया था। कई जगहों पर उसकी मूर्तियां भी बनवाई गईं। मॉस्को में एक मॉन्यूमेंट है जिसे कहा जाता है मॉन्यूमेंट टू द कॉन्करर्स ऑफ स्पेस, और इसमें लाइका का नाम भी जोड़ा गया है। इस दौरान कई एनिमल एक्टिविस्ट ने दुनिया भर में अभियान चलाए और दुनिया भर के देशों को यह संदेश दिया कि विज्ञान के विकास के लिए किसी बेजुबान जानवर की मौत का सौदा न किया जाए। लेकिन अंतरिक्ष में जानवरों को भेजने का सिलसिला चलता रहा। हालांकि अगर अंतरिक्ष में शुरुआत में जानवरों को न भेजा जाता तो शायद आज अंतरिक्ष विज्ञान इतनी तरक्की न कर रहा होता। आज अगर इंसान अंतरिक्ष में जाने में सफल है तो उसका क्रेडिट वैज्ञानिकों के साथ उन मासूम और बेजुबान जानवरों को भी जाता है जिन्होंने अपना बलिदान देकर विज्ञान को आगे बढ़ाया है। अब इस पर सबके अपने अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो हमें यह पता चलेगा कि विज्ञान का विकास एक्सपेरिमेंट के जरिए ही होता है, और अंतरिक्ष विज्ञान की तरक्की के लिए जानवरों पर यह एक्सपेरिमेंट किए जाने जरूरी थे। लेकिन इसके विपरीत अगर हम थोड़ा इमोशनल होकर सोचें, एक इंसान की तरह सोचें, तो हमें यही लगेगा कि हमें इस तरह मासूम जानवरों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।